हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इंडियन नेवल फोर्सेस को बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक एडवांस लेजर डेजलर वेपन सिस्टम मिलेगा। जी हाँ, जो कोई भी एनमी एयरक्राफ्ट और व्हीसल्स को समंदर में इंडियन नेवल फोर्सेस के लिए रोक देगा। सो फ्रेंड्स, हमारे नेवल फोर्सेस की तरफ से अब से समंदर में कोई भी संदिग्ध वाहनों, बोट्स एंड एनी एयरक्राफ्ट को चेतावनी और रोक देने के लिए अब से नॉन लिथल वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, जिसके लिए बीएल या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से 20 यूनिट लेजर डेजलर को आयात करने के लिए गुरुवार को भारतीय नेवल फोर्सेस के साथ बीएल के तरफ से एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किया गया है। और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान में ये कहा जा रहा है कि ये एडवांस लिथल वेपन फर्स्ट टाइम ही हमारे भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप किया गया है। और ये अर्बन सिस्टम के द्वारा समंदर में हमारे नेवल फोर्सेस कोई भी शत्रु एयरक्राफ्ट, यूएवी और एनी व्हीसल्स को विचलित करने के साथ साथ टारगेट भी कर सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। ये लेजर डेजलर एक एडवांस वेपन है, साथ साथ एक लाइट एम्पलीफिकेशन भी है। मतलब ये वेपन को दिन और रात में सुरक्षित क्षेत्रों के संपर्क करने से संदिग्ध वाहनों, नावों, एयरक्राफ्ट, यूएवी, समुद्री डाकू आदि को रोक देने के लिए एक गैर घातक विधि के रूप में व्यवहार किया जाता है। ये वेपन चकाचौंध में भी सक्षम है और बिल्कुल इसी तरह काम करने के लिए ये लेजर डेजलर विकलांगता की चकाचौंध के साथ साथ कोई भी व्यक्ति और ऑप्टिकल सेंसर की कार्रवाई को भी दबा सकता है। जी हाँ, मतलब इसके जरिए कोई भी सेल। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हर एप की नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पर प्रेस कीजिए। मतलब इसके जरिए हमारे नेवल फोर्सेस कोई भी सेल्स या यूएवी एयरक्राफ्ट हो गया तो इसके मदद से हमारे नेवल फोर्सेस ये टेक्नोलॉजी के मदद से उसे भ्रमित करना और ये आसानी से कोई भी व्यक्ति को कुछ सेकंड के अंदर भी अंधा बना सकता है। जी हाँ, और यह एडवांस लेजर डेजलर्स कोई भी यूएवी विमानों को एयर में विचलित और चकाचौंध करता है। और यह एडवांस लेजर डेजलर्स को हमारे बीएल और डीआरपी की तरफ से एक प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में सैन्य उपयोग के लिए एक बिल्कुल एडवांस यूनिक पोर्टेबल डिजाइन में डेवलप किया गया है, जो कि कंधे से संचालित किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे में यह दो टाइप भी आता है। मतलब इसे कोई भी शिप या कोई भी सेल से हम इसे फिट कर सकते हैं। और एक पोर्टेबल आता है जो कि कोई भी आर्मी इसे कंधे में रख के ये निशाना लगा सकता है। तो एक बहुत ही एडवांस वेपन है जो कि हमारे डीआरडीओ और बीएल की तरफ से हमारे देसी टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है। और बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो 20 यूनिट्स लेजर डेजलर्स हमारे नेवल फोर्सेस को प्रोवाइड किया जाएगा तो इसे मेक इन इंडिया के तहत हमारे भारत में ये जो बीएल का मैन्युफैक्चर प्लांट अभी जो पुणे में है तो यहाँ पर इसे प्रोडक्शन किया जाएगा तो और हमारे नेवल फोर्सेस को प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे डीआरडीओ की तरफ से पहले से काली वेपन के ऊपर काम किया जा रहा है, इसका कई वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये लेजर डेजलर उससे थोड़ा अलग होता है, इससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया तो वहाँ पर ये जो बीम जब लगेगा तो उसे विचलित भ्रमित करेगा, लेकिन यहाँ पर काली वेपन उसे डिस्ट्रॉयड करेगा। मतलब जब ये बीम लगेगा तो 5 से 10 सेकंड के अंदर उसे डिस्ट्रॉयड करेगा और उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब ये एडवांस लेजर डेजलर एक डायरेक्टर एनर्जी वेपन नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये खबर सुन के और इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारे मेक इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में रफ्तार पकड़ लिया है। जी हाँ, और आगे हमें बहुत सारे पिक्चर्स देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यह था टॉपिक। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।